हाँ बच्चों, कैसे हो? तो पहला टॉपिक किया था हमने बॉन्ड में, और बॉन्ड में हमने बॉन्ड का प्राइस प्राइस ने वैल्यू निकालना सीखा। हाँ, हमने बॉन्ड को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक जीरो कूपन बॉन्ड ले लिया, एक हमने परपेचुअल बॉन्ड ले लिया, एक कन्वेंशनल बॉन्ड्स ले लिया जिसमें हर साल इंटरेस्ट एक जैसा, फिर लास्ट में नॉर्मल प्लेन वनीला बॉन्ड, और एक नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड लिया और उस पे हमने बॉन्ड की वैल्यू निकाला और उसको कंपैरिजन किया एक्चुअल मार्केट प्राइस से। अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस ज़्यादा है वैल्यू से, तो फिर क्या डिसाइड किया, यार महंगा है, ओवर प्राइस्ड, नहीं खरीदना चाहिए। पर अगर एक्चुअल में मार्केट प्राइस कम है तो भाई सस्ता है, अंडर प्राइस खरीद लेना चाहिए। यहाँ तक बात कर चुके हैं। पॉइंट नंबर वन, बॉन्ड प्राइसिंग हमारा खत्म हो चुका। पर इस ये जो डिसीजन ले रहे हैं ना हम लोग बॉन्ड प्राइसिंग को बेस लेकर, ये हमेशा सही होगे ये जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं फंसोगे। अब वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मतलब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर टू। बॉन्ड्स यील्ड। सर, यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। ठीक है सर, ये पढ़ना जरूरी है, और क्यों पढ़ना जरूरी है वो तो एग्जाम्पल के साथ ही समझ में आएगा, तो क्यों ना एग्जाम्पल कर लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटे, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, किस तरह से होगा। पहला एग्जाम्पल ले रहा है, एग्जाम्पल नंबर वन। मान लो हमारे पास तीन बॉन्ड है, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी और बॉन्ड सी। मैंने साथ साथ लिखोगे बेटे, है ना? तीन टाइप्स के बॉन्ड है, बॉन्ड ए बी सी। अच्छा सर, कौन किस टाइप के बॉन्ड्स है? जैसी भी है, जीरो कूपन बॉन्ड है या फिर प्लेन वैनिला बॉन्ड है या फिर किस टाइप का बॉन्ड्स है? हाँ, क्यों ना नामकरण करते। ये बेटे जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन। सर, ये वाला मान लो परपेचुअल बॉन्ड है, परपेचुअल, और ये कन्वेंशनल बॉन्ड। सर, नॉन कन्वेंशनल वो बताऊंगा मैं आपको अगले एग्जाम्पल में, एक साथ सारा नहीं कर सकते ना जी। फेस वैल्यू ZCB का मान लो फेस वैल्यू 20,000 लेते हैं, परपेचुअल बॉन्ड का ले लेते हैं ₹100, कन्वेंशनल बॉन्ड का ले लेते हैं ₹1,000। ठीक है जी सर, अब किसकी बात करते? अब बात करते हम लाइफ। मान लो इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, परपेचुअल की तो कोई लाइफ ही नहीं होगी, और इसकी लाइफ ले लेते हैं 5 ईयर्स। कूपन रेट ZCB में तो कूपन रेट होता ही नहीं, इसमें मान लो 10% पर एन, इसमें ले लेते हैं 12% पर एन। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बनाते वक्त कितना भी फास्ट चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या ये है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। कॉन्सेप्ट किया, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाना बेटे। क्वेश्चन में आप भले ही कितना भी फास्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कूपन रेट दिया हुआ है, अब कूपन रेट के अलावा अब मैं आपको और भी चीज दे दूं, करंट मार्केट प्राइस। इसका कितना ले लेते हैं?
ये ले देते 4, फोर्टी नाइन हंड्रेड ले लेते, 4900। सर इसका मार्केट प्राइस कितना ले लेते? इसका ले लेते 80 रुपये। सर इसका कितना लोगे? इसका मार्केट प्राइस ले लेते हैं हम ₹8,500। ठीक, अब क्वेश्चन ये है विच बॉन्ड शुड बी परचेस्ड, कौन सा बॉन्ड्स खरीदना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, तीनों की बात नहीं कर रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि भाई मेरा ये कहना नहीं है कि आपको बॉन्ड ए खरीदना चाहिए कि नहीं, बी, तीनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम बॉन्ड की वैल्यू निकाल लेते और उसका कंपैरिजन प्राइस से करोगे। बेटे ठीक है, इस भी बॉन्ड की वैल्यू निकाल सकते, इस भी बॉन्ड की वैल्यू निकाल सकते, इसकी भी निकाल सकते, समस्या वो नहीं है, समस्या तो और भी है। यहां लाइफ है 10 साल, ये है परपेचुअल, यहां है 5 ईयर्स। और चलो ठीक है, वैल्यू निकाला, इसका भी वैल्यू निकाल लिया, इसका भी वैल्यू निकाल लिया, इसका भी वैल्यू निकाल लिया, तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, बड़ा दिक्कत है ना। अगर वैल्यू भी निकाल लेते, चलो सबका वैल्यू ज्यादा आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आया, इसका भी आ गया, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पैसे ज्यादा लगे हुए तो वैल्यू तो यहाँ ज्यादा आएगा, तो क्या बॉन्ड ही खरीद लेंगे? नहीं डिसाइड कर सकते। तो बॉन्ड की वैल्यू के हिसाब से यहां अब डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका एक ही तरीका है, क्यों ना रेट ऑफ रिटर्न निकाले कि कितना परसेंटेज कमा रहा है। परसेंटेज में इजी हो जाता है, वैल्यू में दिक्कत में पड़ेगी। एक बात सोच के देखो, आप कह रहे हो कि सर वैल्यू निकालते हैं, चलो बेटे इसका मार्केट प्राइस जितना है उससे ज्यादा इसका वैल्यू आ गया, ओके, इसका मार्केट प्राइस जितना है उससे भी ज्यादा इसका वैल्यू आ गया, इसका मार्केट प्राइस जितना है उससे भी ज्यादा इसका वैल्यू आ गया, चलो ठीक है तीनों का वैल्यू ज्यादा है। लेकिन एक बात दिख रही है ना, ये बॉन्ड तो सिर्फ 100 रुपए का है, ये 1,000 का, ये 20,000 का, तो वैल्यू किसका ज्यादा दिखेगा? इसी का ज्यादा दिखेगा। तो कैसे कैसे डिसाइड कर लोगे कि ये बॉन्ड यही खरीदना चाहिए? नहीं हो सकता। तरीका नंबर दो, पहले तरीके में वैल्यू देखकर आप डिसाइड करते थे, जब सिंगल होना तो समझ में भी आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर आपको किसी दूसरे तरीके से काम करना है। हम परसेंटेज निकाल रहे कि कितना कमा रहे हैं, हम कितना परसेंटेज हर साल कमा रहे हैं, उसको बोला जाता है यील्ड, बॉन्ड यील्ड। और परसेंटेज निकल गया, मान लो इसका 15% निकल गया, इसका 12% निकल गया, इसका 10% निकल गया, तो फिर हम कह देंगे कि हाँ जी बॉन्ड ए खरीदेंगे, हम यील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। सर तो यील्ड कैसे निकालेंगे बताओ आप? सीधी सी बात है, हर साल कितना कमा रहा है, दैट्स इट। तो सर सीधा है, 1,000 रुपये फेस वैल्यू है, हर साल कितना कमाएंगे? 120, 1,000 का 12%, 120। और 120 रुपये जो कमाएंगे वो तो 850 रुपये पे कमा रहा है, बात समझ में आ रही है ना? बताओ बेटे हर साल कितना कमाओगे? 1,000 का 12% मिलेगा हमको, तो 120 रुपये तो मिलेगा। और ये 120 रुपये कितना लगाने पे मिल रहा है? 850, 850 लगाने पे, तो डिवाइडेड बाय 850 × 100। ठीक है सर, ये तो बड़ा ही चाहिए, 14.11, 120 कमा रहे हैं, 850 पे कमा रहे हैं, बिल्कुल सही, ऐसा निकाल सकते हो। इसको बोला जाता है करंट यील्ड। करंट यील्ड का मतलब सीधा आज कूपन रेट डिवाइडेड बाय कितना लगा रहा है। पर करंट यील्ड से भी काम नहीं चलेगा, मैं पहले कुछ लिखवा दूं, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा। लिखते हैं, लिखते जाना मेरे साथ। इन दिस सिचुएशन
वी कैन नॉट डिसाइड. ऑन द बेसिस ऑफ वेल अ बॉन्ड. We have to decide. On the basis of yield in mutually exclusive डिसीजन. क्वेश्चन अगर ये है कि कौन सा खरीदना है, तो फिर तो आपको डिसीजन किस बेसिस पे लेना पड़ेगा, यील्ड पे बेसिस पे लेना. आगे लिख रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यील्ड. दो टाइप की यील्ड होती है. टाइप नंबर वन जिसका नाम होता है करेंट यील्ड, कि भाई कितना लगा के कितना कमा रहा. करेंट यील्ड का फॉर्मूला है कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बॉन्ड, परसेंटेज मिलाना है इसलिए इनटू 100. तो चलो भाई निकालने का काम करते. तो सबसे पहले मैं किसका करता हूं, तो सबसे पहले ना मैं वन बाय वन करता हूं. सबसे पहले बॉन्ड सी लेता हूं. सर सी क्यों, ए से स्टार्ट करते बेटे, ऑटोमेटिक बात समझ में आएगी ना. आप अभी मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, मैं बॉन्ड सी भी कर रहा हूं आप ए कर लेना कोई फर्क नहीं पड़ा, पर बॉन्ड सी से हमको कुछ सीखने को मिलेगा ना. चलो जी करंट यील्ड बताओ बेटे कितना हमको पेमेंट मिलेगा. सर 1000 का 12% 120, कितना रुपए लगा के. नहीं 1000 बेच नहीं आएगा, क्योंकि बॉन्ड तो हमने कितने में खरीदा होगा, 850 रुपए में, 850 इंटू 100. तो 120 डिवाइडेड बाय 850 इनटू 100, तो ये आ गया करेंट यील्ड 14.1 या 12% पर एन. तो कोई कहेगा कि बताइए साहब अगर हम बॉन्ड्स खरीदते हैं सी, तो बताइए हम कितना परसेंटेज कमाएंगे, 14.12% कमाएंगे, बात खत्म. सही भी है क्या गलत है, 850 लगाकर 850 लगाकर 120 कमा रहा है बेटे. बस सही है, बिल्कुल सही. एक चीज इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट की कमाई तो है ही है, पर काश आप इधर भी तो एक मिनट के लिए फोकस कीजिए. आज कितना रुपया खर्च करोगे, 850, और 5 साल बाद तो फेस वैल्यू पर रिडीम्ड हो जाएगा 1000. तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको तो आपने इग्नोर कर दिया, इसको भी तो कंसीडर करना चाहिए. करंट यील्ड में ये प्रॉब्लम है कि कन्वेंशनल बॉन्ड्स में वो ये जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा उसको वो इग्नोर कर देता है, इग्नोर कर दिया. इसलिए मैं करंट यील्ड को सही नहीं मानता, मैं क्या कोई भी सही नहीं मानता, ये कोई सही रिटर्न नहीं हुई, क्योंकि इंटरेस्ट तो कंसीडर किया पर ये जो रिडेम्पशन अमाउंट है इसको इग्नोर कर रहे हो आप, ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो लिख लेते हैं क्या इग्नोर किया जा रहा,
इन करेंट यील्ड वी इग्नोर। रिडम्पशन अमाउंट, ठीक है जी। अब किसकी बात कर रहे हैं, अब ले लेते बॉन्ड ए। ये कौन सा बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड। चलो जी इसका करंट यील्ड निकलते हैं। ओहो कूपन पेमेंट ही नहीं है इसमें, तो जो भी हो ना लास्ट में निल। ये तो बेवकूफी है, जेट सीबी में हम कुछ नहीं कमा रहे, ऐसे कैसे हो सकता। आप खुद सोच के देखो, आज 4,900 दे रहे हैं और हमको 10 साल बाद 20,000 रुपये मिलेगा, मतलब बताओ कुछ कमा रहे हो कि नहीं। कमा रहे हैं कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं, जबकि करंट यील्ड का फॉर्मूला मैं यूज करूं तो कुछ भी नहीं कमा रहा। टोटली रॉन्ग, करंट यील्ड का यही प्रॉब्लम, ये टोटली रॉन्ग हो गए। ठीक है अब किसकी बात कर लेते हैं, बॉन्ड बी। इसमें बताते हैं करेंट यील्ड, बताओ भी कितना, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, और कोई रिडेम्पशन तो है ही नहीं है इसमें। ठीक है कितना देकर, 80 देकर, और परसेंटेज मिलाना है इंट, तो आंसर आ गया 12.5%। हाँ तो अगर इन तीनों बॉन्ड्स की बात करूं तो ये करेक्ट, इसको मैं यील्ड बोल सकता हूं क्योंकि इसमें रिडेम्पशन का चक्कर ही नहीं है। करंट यील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। प्रॉब्लम है किसमें, बॉन्ड सी में करंट यील्ड निकाल रहा है पर वो एक्यूरेसी नहीं, क्योंकि इसमें रिडेम्पशन अमाउंट को इग्नोर कर दिया गया। जेट सी भी तो टोटली गलत हो गए, क्योंकि भाई करंट मतलब यील्ड कुछ है ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे जेट सी भी में, पर करंट यील्ड का फॉर्मूला यूज करूंगा तो नहीं ला रहा। तो करंट यील्ड अगर मैं देखा जाऊं, यील्ड सही अगर कोई निकला है तो यही निकला बॉन्ड बी के लिए, इन दोनों के लिए गड़बड़ है। तो सर अब क्या करें, तो यील्ड ये ठीक नहीं थी इसलिए और एक यील्ड आई है, यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं YTM। आप अभी का मत सोचो, मैच्योरिटी तक आप कितना कमाओगे उसका एवरेज रिटर्न बताइए, तो मजे की बात है। मैच्योरिटी तक आप सिर्फ अभी पे फोकस कर रहे हो, तो दूसरी टाइप की यील्ड होती है जो जो सही मानी जाती है, उससे आप कोई भी बॉन्ड का यील्ड निकालिए सही निकलेगा, और फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे। अभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, अगर मैं करंट यील्ड के बेसिस पे डिसीजन लेने का सोचूं तो ये गलत है, यहां रिडेम्पशन अमाउंट को इग्नोर किया, जो करेक्ट है ये यही दिख रहा ठीक ठाक। तब दूसरे टाइप की यील्ड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम करेंट यील्ड नहीं होगा, जिसका नाम होगा यील्ड टू मैच्योरिटी। और मैं आपसे बोला था कि यील्ड के बेसिस पे डिसीजन देंगे, यील्ड का बेसिस पे मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है करंट यील्ड यूज नहीं होता डिसीजन लेने के लिए। तो टाइप वन में करंट यील्ड लिखा, अब टाइप नंबर टू, जिसका नाम है यील्ड टू मैच्योरिटी, इसका नाम है YTM। ठीक है यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली क्या चीज है, यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली क्या पूरी तरह से IRR है। IRR कहाँ पढ़ा है, IRR आपने पढ़ा था कैपिटल बस्टिंग में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये पढ़ा है आपने इसमें। सर याद नहीं है, गुड, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है कि आपको याद नहीं होगा, मैं यहाँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लिख लेते हैं
YTM is a इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेस यही मान लेता हूं मैं, IRR फ्रॉम कहां से मिलेगा ये रिटर्न, बॉन्ड फ्रॉम अ बॉन्ड लिख लीजिए। ठीक है सर, ये कैसे निकालते हैं आप बताइए। चलो भाई, तो सबसे पहले ZCB का ही निकाले बॉन्ड, एक सबसे पहले निकालते हैं बॉन्ड ए का YTM। ये बताइए, ध्यान से सुनना, आज कितना पैसा लगा रहे हो? 4,900, 4,900। और 4,900 आज लगाने से 10 साल बाद कितना मिलेगा? 20,000। ये मतलब हुआ है आपका? आप खुद सोचो, खुद सोच के बताना। मैंने कहा मैं किसी बैंक में 1 लाख रुपए जमा करता हूँ, सुनना ध्यान से, 1 लाख रुपए, और मुझे रिटर्न मिलेगा 10% पर एनम। 1 लाख रुपए 10% पर एनम, तो बताओ बेटे 2 साल बाद कितना पैसा आएगा विथ इंटरेस्ट? आज लगाना 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली मान के चलोगे 10% पर एनम, तो बताइए 2 साल बाद कितना पैसा आएगा? तो कंपाउंडेड एनुअली में मालूम है आप क्या करते थे, बेसिक ऑफ फाइनेंस में करवा चुको, 1 लाख + 10% + 10% ऐसा करते थे, 1,21,000। आप ऐसे भी कर सकते थे, 1.10 पावर 2, तो 1,21,000 ऐसा कुछ करते थे, याद है? हाँ सर याद है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आज लगा रहे हो 1 लाख रुपए, आज 1 साल बाद आएगा 1,21,000, तो बताओ हर साल कितना परसेंटेज कमा रहा है? 10%। हालांकि हम उसका इस तरह से कुछ करके निकाल लेंगे, वो बात की बात है, या हम आर ले लेंगे, पावर टू हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। आज लगा रहे हो किस रेट पर कंपाउंडिंग होकर ये इतना पैसा आ जाएगा, यही मैं फॉर्मूला यहाँ यूज करने जा रहा हूं। तो पहले जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? ZCB बॉन्ड। आज कितना पैसा लग रहा है? 4,900। किस रेट पे लग रहा है? नहीं मालूम, वही तो निकालना। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, तो बताओ बेटे कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। बस अब क्या करना, अब तो इजी हो गया, 1 + R^10, और ये हो गया 20,000, और ये हो गया 4,900। 1 + R = डिवाइड कर लेते हैं, 20,000 / 4,900, 4.0816। 10 को हटाया तो यहाँ पावर आ गया 1/10। बेसिक ऑफ फाइनेंस किया है, बेसिक ऑफ फाइनेंस किया तो डर्टी पावर तो पता होगा सर, याद नहीं आ रहा उतना, चलो मैं यहां लिख देता हूँ। डर्टी पावर कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले लिखते थे 4.0816, स्क्वायर रूट कितने बार होता था? 13 बार। इसके बाद क्या होता था यार? -1 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है? 10। फिर क्या करते थे? +1 और फिर इक्वल टू। अच्छा ये 12 बार करते हैं क्या? ठीक है, एक ही बात है, बार करते हैं, 4.0816 स्क्वायर रूट 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1 डिवाइडेड बाय 10 +1 इनटू इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 1 + R की वैल्यू आ गई। ये दिखाना नहीं होता है, 1.151, तो R = 1.151 - 1, तो 0.151, दैट इज
15.10% पर एन। तो इस तरह से ये निकला आपका YTM 15.10%। अगर मैं बॉन्ड ए की बात करूं तो बॉन्ड ए से हम कितना कमा रहे हैं, 15.10%, दिस इज YTM। जबकि करंट यील्ड की बात करो तो करंट यील्ड था ही नहीं, जबकि YTM आया है, कितना कमा रहे हैं हम, 15.10%। ठीक है सर। और एक दूसरा भी तरीका होता है, वो भी तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। हाँ जी, ये याद रखोगे, ये एक मेथड है, और एक मेथड है YTM निकालने का, वो है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। IRR थोड़ा बहुत यार मुझको तो वो डेफिनेशन समझाना पड़ेगा। IRR एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट होता है जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसका मतलब है कि आप ब्रेक इवन बोल सकते हो, हम कैश इनफ्लो को इस रेट से डिस्काउंटिंग करें कि वो आउटफ्लो के बराबर आ जाए, यही होता था IRR। हाँ सर, पर फिर भी आप अपने लैंग्वेज में समझाइए, चलो समझते हैं, ध्यान देना यहां इंपॉर्टेंट है। बस मुझे एक बात बताओ, जीरो कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू 20,000, ये 20,000 कब मिलेगा, 10 साल बाद, किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं, किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए। मतलब ये क्या है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, बस मुझे इसको इक्वल करना है किसके, प्रेजेंट वैल्यू, इसके बराबर नहीं, प्रेजेंट, इसके प्रेजेंट वैल्यू के बराबर। मैं लिखवा देता हूं फिर, YTM इज अ रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस आर इक्वल टू बॉन्ड प्राइस। तो सर रेट कौन सा ले, कोई भी रेट ले लेते हैं भाई, कोई भी एक, ट्रायल एंड एरर मेथड बोला जाता है इसको, ट्रायल एंड एरर मेथड, कोई भी रेट ले लो, भगवान करे मैं एक काम करता हूँ, सर रेट तो मालूम है ना 15%, बट वही तो है, मैं कह रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं क्या रेट है, ठीक। मान लो कि मैं 10% से इसको डिस्काउंटिंग करूं तो मेरा आंसर 4,900 आना चाहिए। तो पहले एक रेट ले लेते, सपोज YTM इज इक्वल टू 10%, तो बॉन्ड प्राइस निकाल लेते 20,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर क्या करेंगे 10, देखते कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ गया बेटे रुपीज 7,777,7,711 कर लो इसको। ओहो, तो 10% YTM मान के चला तो बॉन्ड का वैल्यू कितना आया, 7,777,7,711, जबकि मुझे बॉन्ड का वैल्यू कितना लाना है, 4,900। तो बॉन्ड की वैल्यू इतना नहीं, इससे और डाउन करवाना है, मतलब यील्ड इससे भी ज्यादा, मुझे रेट इससे भी ज्यादा लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा रेट लोगे, जितना ज्यादा रेट लोगे, बॉन्ड की प्राइस उतनी कम आते जाएगी। मेरा टारगेट कितना है, इस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि बॉन्ड की प्राइस 4,900 आ जाए। तो अब कौन सा रेट ले लेते हैं, एक दूसरा रेट ले लेते हैं, सपोज
YTM इसको 15%, 5% बढ़ा देता हूँ, फिर से निकालते बॉन्ड प्राइस। कैसे निकलेगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 1। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 पावर 1 नहीं, पावर 10। कितना आ गया? 4944। और मुझे 4900 चाहिए। ओहो, थोड़ा सा बच गया। तो सर आप 16% ले लेंगे? यस, मतलब जितना मुझे तो इससे भी कम चाहिए ना भाई। तो अब 4900 लाना है तो कुछ और रेट लेना पड़ेगा। और अब की बस 20 क्यों नहीं ले रहा है? 20 इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही तो बच्चा है, तो भाई एक रेट ले, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, गैप कम, 15-16 कम गैप, 15 से बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा। हाँ, अगर फिगर बहुत ज्यादा वेरी रहता ना इससे, तो फिर मैं देख लेता बॉन्ड प्राइस। ट्वेंटी थाउजेंड 1.16 पावर 10, 20,000 डिवाइड 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16% पे 20,000 डिवाइड 1.16 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये आ गया 4534। ओहो, ये तो बहुत ही कम चला गया। अब क्या करना है? अब याद करो आईपीसीसी, इंटरपोलेट करते थे हम, इंटरपोलिश सर कैसे करते थे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। YTM हमने 10% तो मेरे किसी काम का नहीं है, 10 को छोड़ो, सुनना ध्यान से, बात समझ रहा है? जब मैंने 15% लिया, मेरी इच्छा क्या थी? मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था, भगवान 4600 आ जाए, 4600 आ जाए, पर आया 4944। ओहो, फिर मैंने कहा चलो यार और बड़ा रेट लूंगा, जितना बड़ा रेट लूंगा बॉन्ड का प्राइस कम होगा। फिर मैंने बड़ा वाला रेट लिया, 16% ले लिया, तो बॉन्ड का प्राइस 4600 क्या बहुत ही कम हो गया, 4534 हो गया। तो 15% से ज्यादा, पर 16 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 16 से कम। तो इसको कैसे इंटरपोलेट करते हो, ध्यान समझना। 15% पे आ रहा है बॉन्ड प्राइस 4944, ठीक है जी। और जब मैंने 16% लिया तो ये आ गया 4534। इसका मतलब यह है कि जैसे ही मैं रेट 1% से बढ़ाता हूं तो बॉन्ड का वैल्यू गिर जाता है। कितने रुपए से गिरता है? 4944 माइनस 4534, 410 रुपए से। भाई मुझे इतना थोड़ी चाहिए, मुझे बॉन्ड का प्राइस तो 4600 चाहिए, नहीं 4900, 4900 चाहिए। तो मुझे इतना डाउन नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 44 रुपीज डाउन करवाने हैं। इसके लिए कितना परसेंटेज है? यूनिटरी मेथड याद करो, सुनो सुनोगे ध्यान से, यूनिटरी मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। देखो भाई, 15% तो लगेगा ही लगेगा, एग्री जी सर? 410 रुपये चेंज होता है, 410 रुपये डाउन हो जाता है, उसके लिए 1% लगता है। तो 44 को डाउन करने के लिए कितना परसेंटेज लगेगा? 410 रुपये चेंज होता है, अगर हम 1% बढ़ाते हैं तो मुझे 410 रुपये डाउन नहीं करवाना है, 44 रुपीज डाउन करवाने के लिए कितना परसेंटेज? यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड में क्या करोगे?
44 डिवाइडेड बाय 410 इंटू 1, ऐसे कुछ करते थे। हाँ सर, क्रॉस मल्टीपल 44 डिवाइडेड बाय 410 इंटू 1, तो ये आ गया बेटे इसका आंसर 0.107 है, 11 ले लो। तो भाई YTM कितना आएगा, 15 तो है ही है, 15 और प्लस ये लगेगा 0.11%, तो 15.1% आ जाएगा। बात समझ रही, दिस इज यूनिटरी मेथड। 410 रुपये, 410 रुपये चेंज होता है 1% पे, तो 44 डाउन कितने परसेंटेज पे होगा, इतने परसेंटेज हो, 15 तो पहले से लेना है। हालांकि हम यूनिटरी मेथड नहीं दिखाते हैं हम लोग, तो इसको इस तरह से कर देते हैं। वाई टी एम इज इक्वल टू 15 प्लस, हमको कितना चाहिए 44, पर कितना आ रहा है 410, एक ये ले लिया, कितना चाहिए, कितना डाउन करवाना है, यहां लिख दूं कितना चेंज करना है, और यहां क्या जाएगा कितना चेंज हो रहा है, और इनटू वन आंसर कितना जाएगा 15.1%। दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, आप वो फॉर्मूला जो मैंने करवाया उससे भी कर सकते हैं, अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स है तो। तो बताओ भाई कितना कमा रहे हो आप, 15.1% कमा रहे हैं, और वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है सर, इसका तो हो गया, अब किसका कैलकुलेशन करें, तो बॉन्ड ए हो चुका है, हाँ अब किसकी बात करें, बॉन्ड बी। बॉन्ड बी का YTM निकालने की कोशिश करें, परपेचुअल बॉन्ड है तो याद करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालते थे, परपेचुअल है सर, डिवाइडेड बाय रेट करते थे। यस, तो इसमें तो सीधा सीधा बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू कूपन पेमेंट, डिवाइडेड बाय यील्ड, यही होता था, प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, बॉन्ड प्राइस सीधा सीधा निकालते थे। परपेचुअल बॉन्ड में क्या बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है, हाँ सर 80 रुपया। कूपन मालूम है क्या, हाँ सर 10 रुपये, और हमको क्या निकालना, YTM यील्ड, तो YTM इज इक्वल टू ₹10 डिवाइडेड बाय ₹80, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, तो आंसर आ गया 12.5%। सर करंट यील्ड भी तो उतना ही आया था, हाँ भाई हाँ, परपेचुअल बॉन्ड में करेंट यील्ड और YTM एक ही होगा, 12.5%, लिख देता हूं फिर भी नोट, इन परपेचुअल बॉन्ड करेंट यील्ड एंड YTM आर सेम। ठीक है, दो बात हो चुकी है, तो इसका बोलो इसमें कितना कमा रहे हैं हम लोग, इसमें कमा रहे हैं हम लोग 12.5% YTM इसका आ गया, तो फिर तो भाई यही अच्छा है, जेड सी भी अच्छा दिख रहा है। यस, बस और एक बचा हुआ वो कन्वेंशनल बॉन्ड या बॉन्ड सी। बॉन्ड सी, तो भाई बॉन्ड सी का क्या हाल है जरा देखते हैं। चलो एक ही रूल से याद रखते हैं, YTM का मतलब IRR, जिस पे
ऐसे रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि वो जो प्रेजेंट वैल्यू आए ना वो बॉन्ड का प्राइस के बराबर हो। बॉन्ड का प्राइस कितना? 850। तो 850 लाने की कोशिश करेंगे डिस्काउंटिंग करते। अब सुनना ध्यान से, मैं डिस्काउंटिंग किस रेट से कर रहा हूँ। देखो पहली बात, 1000 का बॉन्ड है, 12% मिलेगा, 120, 120, 120, 120 मिलेगा, वो तो मेरा फायदा है। पर बॉन्ड भी तो सस्ते में मिल रहा है, इसका मतलब मेरी कमाई, ध्यान से सुना मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी कमाई 12% नहीं, कहीं ना कहीं 12% से ज्यादा ही है। सर कैसे बोल रहे हो भाई? सोचो ना, 1000 का 12% तो मिलना ही मिलना है, प्लस एक फायदा और दिखना चाहिए। 850 रुपए का ही बॉन्ड खरीद रहा हूं और मुझे फ्यूचर में कितना मिलने वाला है? 1000। तो ये भी तो फायदा है। हाँ सर, बात सही है। तो कितना है बताओ? वो नहीं मालूम, एक रेट कोई भी उठा लेते भाई। और उसके से कौन सा रेट ले ले? कोई भी रेट, 12 से ज्यादा लेना है, लेकिन 15% ले लेते हैं। यस, सपोज YTM इज इक्वल टू 15%, ठीक है जी? हाँ जी, निकालते हैं बॉन्ड प्राइस। एक हजार का 12%, 120। PVAF कितने परसेंट का लेना? 15%। कितने इयर्स का? 5। प्लस लास्ट में कितना मिलेगा? 1000। अब की बार आएगा PVF, 15%, 5। वन डिवाइडेड बाय 1.15, 1, 2, 3, 4, 5.4972 GT, 3.3521 ले लूं। वन, हे भगवान, 850 रुपये आ जाए। 120 इंटू 3.3521 एम प्लस 1000 इंटू 0.4972 एम प्लस MRC, ये आ गया बेटे ₹899। ओहो, 15% पे तो 850 से ज्यादा, और मुझे बॉन्ड का वैल्यू और डाउन चाहिए, मतलब रेट मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा। कितना ले? कुछ भी ले लो, 20 ले लो, 18 ले लो। देखो ज्यादा गैप आएगा ना, गैप तो थोड़ा सा वेरिएशन आता आंसर में। जैसे आना है, वैसे सुनो मेरी बात, आना है 18.25%, मन से बोल रहा हूँ, या फिर 17.25%, तो आ जाता 17.58%। थोड़ा सा वेरिएशन आता, चलता है, 0.25% कम ज्यादा चलेगा, समझना। मान लो आंसर, एग्जैक्ट आंसर है 18.25% एग्जैक्ट। अगर आपका आंसर 18% आ रहा तो भी चल जाएगा, अगर आपका आंसर 18.5% आ रहा तो भी चलेगा, उतना वेरिएशन चलता है, ठीक है? चलो तो अभी क्या ले ले? सपोज नेक्स्ट, सपोज YTM इज इक्वल टू 18% लेते, फिर देखते क्या करना। फिर नेक्स्ट से निकाल रहा हूँ बॉन्ड प्राइस। वन ट्वेंटी PVAF कितने परसेंट का? 18%, 5 ईयर्स प्लस 1000 इंटू PVF 18%, 5 ईयर्स, 1 डिवाइडेड बाय 1.18, 1, 2, 3, 4, 5, 0.4371 GT, 3.1272, 120 इंटू 3.1272 और 1000 इंटू 0.4371, हाँ ये आ गया भाई 812 रुपये।
अब एक दिक्कत फिर आ गई, 15 से तो ज्यादा होना चाहिए पर कुछ ज्यादा ही ले लिया भाई आपने, इतना ज्यादा ले लिया कि 812 आ गया जबकि 850 चाहिए आपको। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर करेंगे इंटरपोलेट। अब मेरा साथ देना, जब मैंने 15% लिया तो बॉन्ड का प्राइस आ गया 899, एग्री? यस सर। जब मैंने 18% लिया तो बॉन्ड का प्राइस आ गया 812। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं 3% से बढ़ाता हूँ मेरे बॉन्ड का प्राइस चेंज हो जाता है, गिर जाता है। 899 माइनस 812, 187 रुपये से डाउन हो जाता है। पर मुझे बॉन्ड का प्राइस चाहिए कितना, इतना थोड़ी डाउन करवाना, मुझे तो चाहिए 850 बॉन्ड प्राइस। इसका मतलब 899 माइनस 850, मुझे चाहिए ₹49 डाउन करवाना। तो निकाल लेते YTM, 15 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस चाहिए कितना 49 डाउन, और हो कितना रहा 87, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3, तो 49 डिवाइडेड बाय 87 इंटू 3 प्लस 15, तो आंसर आ गया 16.69% पर एनम। तो यहां लिख लेते हैं 16.69%, सबसे ज्यादा इसी का है। सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है यार। हाँ पर और सुनो एक अच्छी बात, YTM ऐसे निकालिए या तो एक फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला भी है इसका। अच्छा और सुनो वो फॉर्मूला, लेकिन सुनना वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल बॉन्ड्स में लग सकता है। कन्वेंशनल बॉन्ड्स मतलब जिसमें कूपन पेमेंट एक जैसा हो हर साल और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू, बस उसमें ये एक फॉर्मूला है जो लग सकता है, और उससे उस फॉर्मूले में पुट करेंगे YTM आ जाएगा। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा टाइम पास, कोई ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं करेंगे। अच्छा लेकिन शर्त ये है वो फॉर्मूला सिर्फ किस में लगेगा, कन्वेंशनल बॉन्ड्स में लगेगा। ठीक है सर फॉर्मूला भी सिखा दीजिए, और एक बात सुनो उसमें एग्जैक्ट YTM नहीं आएगा, उसमें जो YTM आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, मतलब थोड़ा सा इधर उधर आएगा। ठीक सर ये बताओ नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में सजेस्टेड में उसी फॉर्मूले से YTM निकाला गया है। कौन से बॉन्ड्स में, कन्वेंशनल। तो आगे से कन्वेंशनल बॉन्ड्स में हम हमेशा फॉर्मूले से ही YTM निकालेंगे, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपका देखा हुआ है IPCC में, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है याद रखना, अप्रोक्सीमेट YTM निकलेगा ये YTM is equal, लास्ट में जब आंसर आएगा ना मैं तो ब्रैकेट में अप्रोक्स करके लिख दिया करूंगा, YTM is equal to I plus RV minus market price divided by N RV plus market price divided by और लास्ट में इनटू 100 तो हो गए। सर ये क्या तरीका हुआ, समझा रहा हूँ। एक बात बताओ साहब, 1000 रुपया का बॉन्ड, हाँ जी फेस वैल्यू, उस पर 12% ब्याज, हाँ तो हर साल मुझे इंटरेस्ट का कितना मिलेगा, कूपन, यहाँ कूपन भी लिख सकते हो सर, 120 रुपये मिलेगा, हो गया। हाँ लेकिन और एक फायदा है, सोचो हम लगाएंगे कितना, 850, 850 आएगा कितना, 1000, तो ये भी तो फायदा है।
ठीक है ना सर? तो 1000 माइनस 850, 1000 माइनस 850, 150 का फायदा हो गया। लेकिन बिट्टे 150 का एक साथ फायदा है ना, ऐसा हर साल 150, 150, 150, 150 हर साल थोड़ी ना फायदा है। हाँ, तो आप ऑन एन एवरेज मेरी कमाई बता सकते हो कि 150 5 साल मिलाकर तो एक साल की कमाई बता सकते हो? यस, 150 डिवाइडेड बाय 5 सर 30 रुपए। हाँ बेटे, अब बात को समझना। अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज हर साल में कितना कमा रहा, 120 रुपए ब्याज का मिलेगा इंटरेस्ट, और 30 रुपए ये भी तो कमाई है। हाँ, इसलिए मुझे ऊपर क्या लिखना है, ऊपर न्यूमरेटर में कितनी कमाई हो रही है, 120 ये प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना है, 1000 सर। वो तो फेस वैल्यू है बेटे, मान के चल रहा हूं कि उसी पे रिडीम्ड होने वाली 1000, जबकि अभी हम बॉन्ड कितने में खरीदेंगे, 850। तो बताओ एक्स्ट्रा कितने की इनकम है सर? एक्स्ट्रा है 150, तो ऑन एन एवरेज हर साल की कितनी डिवाइडेड में सर? लेकिन ये तो गलत है। क्यों भाई? सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भूल गए आप। 30 रुपए की जो कमाई हो रही है आप बता रहे हो हर साल हम कमाएंगे, तो हर साल मिलेगा थोड़ी ना आपको, मिलेगा तो लास्ट में ही मिलेगा, आप यहां कैसे जोड़ सकते हो? एग्जैक्टली, इसमें एरर है। तो उस एरर को कंपनसेट करने के लिए यहां मुझे एवरेज करना पड़ रहा है। हालांकि आज पैसा कितना लग रहा है, 850, पर मैं 850 नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं रिडीमेबल वैल्यू 1000 प्लस 850 ओपनिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, बिगनिंग वैल्यू प्लस एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज 2। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले का लॉजिक में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि सीए इंटर में किया हुआ आपका। सर कहाँ किया था? वहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में किया था। ठीक है, ठीक है सर, फिर से समझते हैं। कितना कमाई होगी, 120 इंटरेस्ट की, ये एक्स्ट्रा उसका किया एवरेज, पर यहाँ टाइम वैल्यू को इग्नोर कर रहे, इसलिए यहाँ मैंने क्या कर दिया, नहीं इसको मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया क्योंकि लाइफ है, यहाँ लाइफ है ना, और यहाँ तो मुझे एवरेज ही करना पड़ेगा। और बाद में क्या कर देंगे, इनटू 100% लाने के लिए। सर कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करोगे? क्या स्टेप में? नहीं बेटे, कैलकुलेटर में पहले नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करूंगा मैं। 1000 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 2, इसको एम प्लस में डाल दिया, फिर 1000 माइनस 850 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 120 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू इन 200। तो यहाँ आंसर आ रहा है 16.22%। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा अंतर आएगा, इसको इसलिए मैं नाम कौन सा दे रहा हूँ, एप्रोक्स YTM। सर ये ज़्यादा एक्यूरेट है, हाँ, लेकिन आगे से हम एग्जाम में यही वाला करेंगे। क्यों सर? बेटे एक तो टाइम नहीं होता है, दूसरा आपका इंस्टीट्यूट परमिशन देता है कि आप ऐसा कर सकते, तो हम ऐसा ही करेंगे, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हाँ, पर अगर कन्वेंशनल बॉन्ड्स नहीं है, कुछ और ही बॉन्ड्स है जिसमें कूपन पेमेंट अलग अलग है, या तो फिर तो हमको ट्रायल एंड एरर मेथड ही करना पड़ेगा। ठीक है सर, सर एक बात बताऊं, इसको किया कैसे था आपने? हाँ, मैंने कैलकुलेटर में कैसे किया था, मैंने लिखा 1000 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 2 और उसको डाला एम प्लस, फिर क्या किया, 1000 माइनस 850 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 120 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, और लास्ट में क्या कर दिया, इनटू 100। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो आप सीधा ये काम कर सकते हो, कैलकुलेटर के थ्रू सीधा सीधा ये आ जाएगा 16.22%। तो ये थे YTM की कहानी। अगर बताओ कि कौन सा बॉन्ड शुड बी परचेस, तो बॉन्ड सी शुड बी परचेस, क्यों? ड्यू टू हाईएस्ट YTM, लिख दूं बॉन्ड सी शुड बी परचेस्ड
ड्यू टू द हाईएस्ट आईडिया। तो ये तरीका है YTM निकालने का। मैंने हर एक चीज अलग अलग एंगल से डिस्कस किया है, ZCB का अलग से दिया, परपेचुअल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो इससे रिलेटेड है, कन्वेंशनल बॉन्ड्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, या याद हो जाएगा ऑटोमेटिक जब हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल रहेगा, ताकि मैं टैक्स भी बीच में, अगर टैक्स होता तो क्या होता ये भी देख लेते। हाँ जी, लिखोगे मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर टू, लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ₹1000। करेंट मार्केट प्राइस ₹950। लाइफ ऑफ बॉन्ड्स या पीरियड्स लिख सकते हैं, 5 ईयर्स। कूपन 15% पर है ना। रिडेम्पशन वैल्यू ₹1050। ठीक है, इनकम टैक्स रेट 30%, कैपिटल गेन टैक्स 10%, कैलकुलेट पोस्ट टैक्स YTM। हाँ जी, बात बचपन से मालूम है कि इंटरेस्ट पर क्या होता है, टैक्स सेविंग्स होता है। तो पहली बात, 1000 पे 15% ₹150 इंटरेस्ट है, पर उस पे हमको टैक्स सेविंग होता था कंपनी के एंगल से, बॉन्ड होल्डर के एंगल से भाई इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाएगा। तो सीधे सीधी बात करते हैं, पहले नंबर पे क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, तो कितना आएगा देख देखते, 1000 का 150 कितना आएगा, ₹150। वन माइनस इनकम टैक्स का रेट कितना, 30%। चेक कर लेते कितना है, 150 × 0.7 ₹105। अब क्या लिखोगे, रिडीमेबल वैल्यू, नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स,
सुनो बेटे, आज से 5 साल बाद कितने का बिकेगा रिडीमेबल वैल्यू? रुपीस 1050, ठीक है। पर बेटे माइनस क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन टैक्स। इतना मिलेगा ओके, पर कैपिटल गेन भी तो लग जाएगा, कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना 1050 का मिल रहा है बेचने पर, जबकि आपने खरीदा कितना था? 950 रुपये का, और उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा हमको? 30% नहीं, 10% है कैपिटल। 1050 माइनस 950, 1050 माइनस 950 इंटू 10%, 10 रुपये है ये तो। नेट ऑफ टैक्स कितना आ गया? ₹1040। बस और कुछ करना नहीं है, आप सीधे YTM निकलते हैं। आई वन माइनस टैक्स जो कि आपका निकला हुआ है, टैक्स इसलिए वन माइनस टैक्स आएगा। RV माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय N, और यहां आ जाएगा एवरेज RV प्लस N मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। चूंकि कन्वेंशनल बॉन्ड्स है तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। आई वन माइनस टैक्स निकला हुआ 105 प्लस 1040 माइनस 950, और कितना लाइफ है? 5 डिवाइडेड बाय 1040 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। 1040 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2, 1040 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 105 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू इनटू 100। तो ये आ गया 12.36%, दिस इज अप्रोक्सीमेट। तो ये करवाया था मैंने एग्जाम्पल नंबर 2। तो टैक्स दिया हो तो आपसे पोस्ट टैक्स YTM पूछ सकता है, और पोस्ट टैक्स YTM आप इस तरह से निकालोगे। ठीक है सर, हो जाएगा इसमें। एक इम्पॉर्टेंट बात, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। और अब की बार एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड का। नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स का बिल्कुल ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सपोज यार मैं एक बॉन्ड खरीदने का सोच रहा हूं जिसका फेस वैल्यू है ₹1000, ठीक है जी। और कितना पीरियड है? पीरियड है 5 ईयर्स, ये भी ठीक है। और इंटरेस्ट इस तरह से मिलेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। और इंटरेस्ट मिलेगा बेटे 100, 100, 100, 50, 50। अच्छा, 100, 100, 100 मिला। फिर बेटे यहाँ पैसे भी वापस कर रहे हैं हम लोग, हमारा अभी मैं बता रहा हूँ ना। और रीपेमेंट मुझे किस तरह से मिलेगा? रीपेमेंट और प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो रीपेमेंट इस तरह से होगा कि कुछ पैसे मुझे थर्ड ईयर एंड में मिलेंगे, थर्ड ईयर एंड। वैसे तो फेस वैल्यू कितना है?
1,000 तो 50% यहाँ मिल रहा है, ₹500 प्लस प्रीमियम भी मिल रहा है, मान लो कितना ले लेते प्रीमियम 100, 20% प्रीमियम, तो मुझे 600 वापस मिल रहा है और कुछ पैसा मिलेगा 50 ईयर में, 50% जो बचा हुआ 50 ईयर एंड में, ₹500 प्लस ₹100 प्रीमियम, तो ₹600 यहाँ भी मिलेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट YTM, क्या ये कन्वेंशनल बॉन्ड्स है, सोच के बताना। नहीं, क्यों नहीं है? इंटरेस्ट अलग अलग है, प्रिंसिपल का रिपेमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, क्या किया जाए बेटे? अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही तरीका बचा, ट्रायल एंड एरर मेथड। एक रेट लेते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, और डिस्काउंटिंग करने पे कितना है आज बॉन्ड का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस तो मैंने दिया ही नहीं है, यहां लिख देता हूं। करंट मार्केट प्राइस ले लो ₹950, 950 मिल जाना चाहिए सर। फिर भी यार ऐसा रेट का अंदाजा तो लगा सकते ना यार, मतलब कौन से रेट से ले, 10%, 20%, 25%, हम कैसे? चलो हाँ, रेट का अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या रेट होना चाहिए, अंदाजा लगा रहे, अंदाजा लगाने का तरीका है ये। बताओ बेटे कि आज कितना पैसा लगाओगे? 950, ₹950, मिलेगा कितना? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 600 प्लस 600। इनकम कितनी हो रही है पहले ये निकालो, सिर्फ रेट पता करने का तरीका बैठे। टोटल इनकम 100 प्लस कैश इनफ्लो 100 प्लस टोटल इनकम कैसे निकलेगी ये लिख देता हूँ भाई, इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश इनफ्लोस माइनस कैश आउटफ्लोस, ये लिखना नहीं है, ये तो मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं। 200 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 600 प्लस 600, और इसमें से माइनस कर देते हैं 950, तो टोटल मिलाकर 5 साल की इनकम आ जाएगी। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 600 प्लस 600 माइनस 950, इनकम आ गई ₹650। तो क्या हम लोग एवरेज इनकम निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। ₹650 टोटल है, तो हर साल का कितना? ₹130, तो एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। हाँ सर, ये भी निकाल सकते हैं। कितना कमा रहे हो ऑन एन एवरेज? 130, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर किया हूँ, टोटल ₹130 कमा रहे, कितना लगाकर कमा रहा है? 950 × 200 डिवाइडेड बाय 950 × 100, परसेंटेज कितना है? 13.68%। तो हमको अब जो YTM के लिए हमको रेट ढूंढना था ना यार, किस रेट से आखिर करे डिस्काउंटिंग, तो एक अंदाजा लग गया कि आप 14% से डिस्काउंटिंग कर सकते हो। तो सपोज अब वही काम करेंगे, YTM इज इक्वल टू 14%, और अब हमको क्या निकालना? बॉन्ड प्राइस। अब डिस्काउंटिंग अलग अलग करना, तो डिवाइड वाले तरीके से कर लेते हैं। 100 1.14 पावर 1 प्लस 100 1.14 पावर 2 प्लस ये 100 और ये 600 साथ में ले सकते हैं,
700 डिवाइडेड बाय 1.14 पावर 3 प्लस 50, 1.14 पावर 4 प्लस ये 50 और ये 600, 650 साथ में ले सकते हैं, 1.14 पावर 5। चलो जी काम करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू m प्लस, फिर 100 दो बार इक्वल टू m प्लस, फिर 700 तीन बार इक्वल टू m प्लस, 50 एक दो तीन चार m प्लस, 650 एक दो तीन चार पाँच, आंसर आ गया रुपीस 1,004.44, 1,004। और मुझे कितना चाहिए, 950। आंसर कितना आ रहा, 1,004। थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, तो अब की बार YTM ले लेते हैं, 16% ले लेते, आंसर आ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा। तो फिर बॉन्ड प्राइस निकालते हैं, हंड्रेड 1.16 पावर 1, 100 डिवाइडेड बाय 1.16 पावर 2, 700 डिवाइडेड बाय 1.16 पावर 3, 50 डिवाइडेड बाय 1.16 पावर 4 एंड 650 डिवाइडेड बाय 1.16 पावर 5। 100 डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल टू m प्लस, 100 दो बार इक्वल टू m प्लस, 700 तीन बार इक्वल टू m प्लस, 50 चार बार इक्वल टू m प्लस, 650 एक दो तीन चार पाँच, ये आ गया 946। हाँ चल जाएगा फिर तो, हाँ जी ये आ गया रुपीस 946 और 950। तो बस आ गया इंटरपोलेट करना है, तो वो भी कर सकते हो, पर सीधी सीधी बात है, इतना अंतर ₹4 का कोई फर्क नहीं। हैंस YTM इज इक्वल टू 16%। यहाँ मैं क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी आगे, लेकिन आपके मन में होता होगा कि चलो ना सर एक बार इंटरपोलेट इसको भी कर लेते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हो। अब वो मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं सिखा दूँ, नहीं तो बाद में इल्जाम लगाओगे सर कैसे हुआ करके। 14% पर कितना है 1,004। जैसे ही मैंने 16% लिया तो आंसर आ गया 946। 2% बढ़ाया तो यहाँ वैल्यू डाउन हो गया, 1,004 - 946 तो 58 से डाउन हो गया, जबकि मुझे बॉन्ड का प्राइस चाहिए 950, मतलब मुझे 1,004 - 950 मुझे 54 रुपीज़ डाउन करवाना था। तो YTM इज इक्वल टू 14 तो लगेगा ही लगेगा, चाहिए कितना 54, आ कितना रहा है 58 इंटू क्या 2, तो 54 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 2 प्लस 14, आंसर आ रहा है 15.86%। ये आपका एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। 16 भी लिखते हो तो ₹6 की वजह से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये किसका एग्जांपल था, ये था नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड्स का, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो इजी है। एक आध एग्जाम्पल और है जो मैं करवा देता हूँ, बात खत्म हो जाए, ठीक है जी। हाँ बच्चों बस एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो हमारा बॉन्ड यील्ड खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन तो है ही है। तो दिस इज लास्ट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ये भी एग्जाम्पल। इस बार ले रहा हूं मैं फेस वैल्यू बॉन्ड, 1,000 ही ले लेते हैं चलेगा, यस सर रुपीस 1,000। लाइफ 5 ईयर्स ले लेते हैं, लाइफ 5 ईयर्स, कूपन
12% पर एन। पेबल सेमी एनुअली, सर मतलब बेटे बस इसी वजह से तो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। नो डाउट कि 12% पर एनम मिलेगा, जो पर इंटरेस्ट का पेमेंट है वो हर 6 6 माह में मिलेगा, मतलब 60 60 60 60 इस तरह से। बता सकते हो 5 साल में कितने बार मिलेगा? 10 बार सर, सीधा तो है जी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। करंट मार्केट प्राइस नाइन एटी ले लेते, रिडीमेबल कुछ नहीं दिया तो एट पार लेना पड़ेगा। ठीक, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। कैन कैलकुलेट येल्ड टू मैच्योरिटी। अभी क्या है, YTM का फॉर्मूला तो हमको मालूम है। आई टैक्स तो है नहीं है यहाँ, प्लस RV माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय N, RV प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इनटू क्या करना है 100। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, 1000 का 12% 120 होता है, लेकिन मैं यहाँ 120 नहीं लूंगा, मैं यहाँ निकलूंगा 60। सर मतलब आप 6 मंथ का यील्ड निकाल रहे हैं? हाँ बस इतना, मैं जो बॉन्ड यील्ड निकालूंगा ना वो 6 मंथ का निकालूंगा। ठीक है सर, प्लस 1000 माइनस 980 डिवाइडेड बाय, ये 20 रुपए का एक साथ फायदा होने वाला है, 20 रुपए का। लेकिन सुनना ध्यान से, ये इंटरेस्ट कितने मंथ का? सर ये तो 6 महीने का, तो यहां भी मुझे उस 20 को 5 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 महीने का, तो यहां भी अमोर्टाइजेशन हो रहा है 6 महीने का। डिवाइडेड 1000 प्लस 980 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में इनटू 100 कर देते, देखते कितना आ रहा। पहले नीचे वाला 1000 प्लस 980 डिवाइडेड बाय 2, एम प्लस 1000 माइनस 980 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 60 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू इनटू 100, तो ये आ गया 6.26%। पर ये कितने मंथ का आया? 6 मंथ का। अब 6 मंथ का जो रेट है उसको मुझे एनुअल करना पड़ेगा, एनुअलाइज्ड यील्ड निकालना पड़ेगा। YTM एनुअलाइज्ड सर, तो 6 मंथ का रेट ये है। इसको पर एनम बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, सीधा है यार 6.26, कितने पीरियड का? 6 मंथ का, तो 12 महीने का कितना? सर डबल कर दे सीधा, यस 6.26 इंटू 2, तो ये आ गया 12.52% पर एन। दूसरा तरीका ये हुआ, उसको इफेक्टिव यील्ड बोलते हैं। इफेक्टिव यील्ड वो आपको निकालना आता 1.0626 पावर, क्या करोगे 2 माइनस 1 इंटू 100। ये तो मैंने सिखाया हुआ हूँ आपको, 1.0626 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, तो ये आ गया 12.91% पर एनम। ये निकला कंपाउंडेड एनुअली। तो सर कौन सा वाला निकालना, ये निकालना कि ये निकालना? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, बोला बस YTM निकालो पर एनम, तो मैं ये निकालूंगा सीधा सीधा भाई, 6 महीने का इतना, तो 12 महीने का कितना? तो ये लिख लेते इफ क्वेश्चन इज साइलेंट,
देन कैलकुलेट। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। बात खत्म। ठीक है सर, बात समझ में आती है। बस यहाँ फोकस करना, अगर जब भी सेमी एनुअली दिया तो मैंने यहाँ पूरा की पूरा जो काम है वो 6 मंथ का किया और उसको मैंने पर एनम में कन्वर्ट कर लिया। सर बॉन्ड यील्ड का मतलब ये होगा, यील्ड YTM का मतलब है कि अगर हम जो फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाले हैं उसको हम YTM से अगर डिस्काउंटिंग करेंगे तो बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस जाएगा। हाँ भाई हाँ, फिर मैं उसको इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं बोलूंगा, वो तो प्राइस ही आ गया। अगर फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो आने वाले हैं उसको मैं YTM से डिस्काउंटिंग करूंगा तो जो आएगा वो बॉन्ड का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि कैश फ्लो दे देगा और YTM दे देगा बॉन्ड यील्ड और कहेगा कि चलो मार्केट प्राइस निकाल कर बताओ, तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हुए हमारे, सॉरी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब बॉन्ड यील्ड के क्वेश्चन कर लेते। अगर देखा जाए बेसिकली दो चीजें पढ़ा, एक तो बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर डिसाइड कर सकते हो कि हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा तरीका, बॉन्ड का YTM निकाल कर डिसाइड कर सकते हो कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मुझे 10% चाहिए और अगर 12% रिटर्न मिल रहा है, YTM 12%, तो हम बॉन्ड खरीद लेंगे। हम एक उस बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। आगे तो बड़े सारे क्वेश्चन है तो उसमें और भी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट खत्म। आगे अगली क्लास से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। थैंक यू।